हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। बहुत खास वीडियो लेकर आया हूं। एक ऐसी इंडस्ट्री जो इंडिया के जीडीपी में 7.4% कंट्रीब्यूट करती है और 2025 तक 10% कंट्रीब्यूट करेगी। 2021 तक इस इंडस्ट्री का मार्केट साइज 6.96 यूएस बिलियन डॉलर था और 2025 तक इसका मार्केट साइज 19.93 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। परसेंटेज वाइज अप्रॉक्स 186% का ग्रोथ होने वाला है सिर्फ 4 साल में। आप मुझे बताएं कि मैं किस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहीं पर एक ट्विस्ट है, वो इंडस्ट्री से होते हुए भी उससे एक जुड़ी हुई है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, जहां पर प्रॉफिट कमाने का बेहतरीन मौका है। मौका में एक ऐसा डेटा चार्ट के साथ दिखाऊंगा कि आप शॉक हो जाओगे। शॉक क्यों हो जाओगे, क्योंकि कहानी जनवरी से शुरू हुई और जनवरी से ही चार्ट में एक्शन शुरू हुआ है। यानी क्या है, अभी पेड़ पनपना शुरू हुआ है, पेड़ पनपा नहीं है। तो एक करेक्ट मौके में तो हर चीज को देखेंगे, लेकिन लास्ट तक देखेंगे। आधा अधूरा सुनकर, थंबनेल को देखकर इन्वेस्टमेंट की बात नहीं होती है। कोई भी बिग इन्वेस्टर 5-5 दिन 7-7 दिन समय लेता है, स्टडी करता है, तब जाके इन्वेस्ट करता है। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। कर्ज लेकर इन्वेस्ट मत कीजिएगा, सारे पैसे एक शेयर में मत लगाइएगा। तो हर चीज को हम डिस्कस करेंगे जिससे आपको हेल्प हो सके, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना सुनना पड़ेगा। तो आई होप कि किस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं आपने कमेंट में जरूर जवाब दे दिया होगा। मैं बात कर रहा हूं आईटी इंडस्ट्री की, बट ट्विस्ट है यहां पर, उस पे हम आएंगे। बचपन से लेकर 55 तक हर कोई आईटी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। 2022 में आईटी इंडस्ट्री ने अप्रॉक्स 5 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया था। मतलब आईटी इंडस्ट्री को समरी करें तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ग्रो भी कर रही है और एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है। ये बात अलग है कि अभी 2023 में थोड़ा सा झोलझाल चालू है, तो वो एक लाइफ का पीरियड होता है, सुख दुख है ना, प्रॉफिट लॉस। तो आईटी इंडस्ट्री में ग्रोथ होगा, ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहां सवाल ये है कि इस ग्रोथ की वजह कौन बनेगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि एक वक्त आता है जब ट्रिगर्ड पॉइंट चेंज होते हैं, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि आप कैसे इस ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं, आप कैसे कमा सकते हैं। इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। 5 स्टॉक के नाम बताने वाला हूं, उन 5 स्टॉक की कहानी भी चार्ट पे लास्ट में दिखाने वाला हूं कि जनवरी से कैसे खेल शुरू हुआ है और जनवरी से ही कहानी शुरू हुई है। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से कि आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह कौन बनेगा। तो वो ग्रोथ की वजह बनेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, आप सभी ने चैट जीपीटी, गूगल के एआई बार्ड का नाम जरूर सुना होगा। ये दोनों तो फेमस हैं, ऐसे कई एआई टूल्स मार्केट में आ गए हैं जो ह्यूमन से ज़्यादा फास्ट हैं और 10 गुना तेज़ी से काम कर सकते हैं। और अगर गौर करो तो जनवरी 2023 से एआई टूल्स के बारे में बहुत तेज़ी से बात शुरू हुई है, बहुत तेज़ी से, एक्सट्रीम लेवल पर। और चार्ट में भी जनवरी से ही कहानी शुरू हुई है, बहुत तेजी से। आप इसी से समझ सकते हो कि करेक्ट टाइमिंग है। वीडियो को जल्दी से लाइक तो कर दीजिए, मजा आने वाला है। तो जिन्हें एआई के बारे में नहीं पता, उन्हें आसान भाषा में बता दूं कि एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर में मशीन को इंसान की बुद्धि की तरह इस्तेमाल करने और ऐसा काम करने के लिए इस्तेमाल करती है जो आमतौर पर इंसान करते हैं। इसको आसानी से एग्जाम्पल से समझें तो आप लोगों ने मार्वल की फिल्म एवेंजर देखी होगी या आयरन मैन देखी होगी, तो आपको याद होगा कैसे आयरन मैन दिन भर अपने वर्चुअल असिस्टेंट से बात करता था। बस यही होता है एआई का काम। एक मशीन को आप कमांड दे देते हैं, वो मशीन उसी कमांड पे इंसान की तरह काम करने लगती है। और यही वो रीज़न है जहाँ पर लोगों की जॉब भी जा रही है, जो आप लगातार सुन रहे हैं, जहाँ पर ये कहा जा रहा है एआई ह्यूमंस को रिप्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये बहुत तेज़ी से काम करता है, ये बहुत बेस्ट तरीके से काम करता है, ऐसी कहानी है। बट दूसरे साइड ये भी कह रहे हैं कि एआई बहुत ही ज़्यादा हमारे फ्यूचर के लिए खतरनाक है। बट हम उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि फिर टॉपिक बहुत अलग हो जाएगी। हम इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे।
तो आज के डेट में हर इंडस्ट्री एआई का इस्तेमाल करने में लगी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा, मगर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि एआई के इस्तेमाल से हर इंडस्ट्री ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है, और जो इंसान एआई का इस्तेमाल करना सीख गया वो इंसान भी ग्रो करेगा। करेक्ट है, इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह एआई बन सकता है। और अब अगर आपको इस इंडस्ट्री से कमाना है तो आपको भी ऐसे ही आईटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना होगा, और जो एआई बेस्ड काम कर रहा है, करेक्ट है ना, एआई बेस्ड काम कर रहा है तभी तो होगा, मतलब ऐसी कंपनी जो एआई की सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, तो वहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पर हम पैसा कमाएंगे, क्योंकि यही बहुत तेज़ी से आ रहा है। अब टाइम है उन 5 कंपनियों के बारे में बताने का जो एआई पे काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है ये भी जान लीजिए। तो इन 5 कंपनियों को हम क्वालिटेटिव फैक्टर के बेस्ड पर आपके साथ लेकर आए हैं। क्वालिटेटिव फैक्टर में वैसी चीज़ों को देखा जाता है जिससे कंपनी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ पता चलता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट का पता चलता है। जैसे कंपनी कौन से प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करने वाली है, उस प्रोडक्ट या सर्विस का फ्यूचर में क्या ग्रोथ हो सकता है, उसी को कहते हैं इस तरह की एनालिसिस। यहाँ पर हमारे लिए पहली कंपनी है टाटा एलेक्सी, टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी, इंट्रोडक्शन की दूर दूर तक ज़रूरत नहीं है। टाटा एलेक्सी मल्टीपल इंडस्ट्री में एआई सर्विस और प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। इनके कुछ फेमस एआई प्रोडक्ट और सर्विस की बात करें तो एक प्रोडक्ट है AIVA, ये एक वीडियो एनालिटिक्स सॉल्यूशन है जो एआई के थ्रू फेस रिकॉग्नाइजेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, क्राउड काउंटिंग जैसा काम करते हैं। दूसरा प्रोडक्ट है इनका AIDMS, ये एक ड्राइवर इंटेलिजेंस सर्विस है जो एआई की मदद से ट्रैक करता है ड्राइवर के बिहेवियर को, जैसे ड्राइवर थका हुआ है या नहीं है, डिस्ट्रैक्ट है या नहीं है, इस सॉफ्टवेयर के इस यूज़ पर हो रहा है जिससे एक्सीडेंट के मामले कम हो, इन चीज़ों पर काम हो रहा है। तो यानी ये सॉफ्टवेयर हमारे लिए बहुत काम का है क्योंकि ये फ्यूचर का है। तीसरा इनका प्रोडक्ट है ICX, ये एक इंटेलिजेंट कस्टमर एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म है जो AI के थ्रू मल्टीपल चैनल से पर्सनलाइज्ड कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड कराता है। ये तीनों सर्विस AI का बेस्ट एग्जांपल है जो टाटा एलेक्सी अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा AI प्रोडक्ट है जो टाटा एलेक्सी प्रोवाइड कराता है और लगातार AI पे काम कर रहा है। EV में भी टाटा एलेक्सी का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है, वहाँ पर हाईटेक कार के टेक्नोलॉजी पर AI बेस्ड काम हो रहा है। तो यहाँ तक हम प्रोडक्ट को समझ चुके हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ये समझिए, ये प्रोडक्ट क्या है, आज के लिए नहीं, ये फ्यूचर के लिए काम हो रहे हैं, जो जिनकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाली है। ड्यू टू दैट रीज़न क्या हो गया, टाटा एलेक्सी एक फ्यूचरिस्ट ग्रोथ हो गया। हम यहाँ पर टाटा एलेक्सी ओवरऑल तो काम अच्छा ही कर रहा है, बट वहाँ पर AI बेस्ड फोकस्ड में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हम वैल्यूएशन पे आएंगे, बट वो लास्ट में आएंगे, क्योंकि कभी भी इन्वेस्टमेंट पर वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट आता है। मैक्सिमम लोग जो फंसते हैं वो वैल्यूएशन कभी नहीं देखते। दूसरी कंपनी है बॉश लिमिटेड, ये एक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कंपनी है, AI सर्विस प्रोडक्ट प्रोवाइज करती है। इसके कुछ AI सर्विस की बात करें तो पहला है AI एंड बिग डेटा सर्विस। इसमें कंपनी AI और मशीन लर्निंग के थ्रू ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, व्हीकल डायग्नोस्टिक जैसी सर्विस प्रोवाइड करती है। मतलब AI के थ्रू कंपनी बताती है कि कब किस व्हीकल को मेंटेनेंस की ज़रूरत है और व्हीकल में क्या प्रॉब्लम है। इस सर्विस की वजह से बॉस का 58% जो रेवेन्यू है वो मोबिलिटी सॉल्यूशन से आता है, और EV पैसेंजर कार है वहाँ पर। इसके अलावा दूसरी सर्विस है इनकी बॉस सेंटर फॉर AI। इस सेंटर में कंपनी रिसर्च करती है और मल्टीपल बिजनेस के लिए AI टेक्नोलॉजी डेवलप करती है, मतलब जिस कंपनी को जैसी ज़रूरत हो उसके रिसर्च के अनुसार उनके लिए AI प्रोडक्ट बनाती है। इसके अलावा बॉस लिमिटेड के कुछ प्रोडक्ट देखें तो बॉस इंडिगो S+, ये एक रोबोटिक लॉन मोवर है। इसका इस्तेमाल Amazon Alexa के जरिए वॉइस कंट्रोल के लिए किया जाता है। इसके अलावा बॉस साउंड C एक सेंसर सिस्टम है जो एरोस्पेस में काम करता है। इसे स्पेस स्टेशन के मशीन के साउंड से उसके इंटरनल कंडीशन का पता चलता है, तो यहाँ पर भी ये बेहतरीन काम कर रहे हैं। तीसरा है परसिस्टेंट सिस्टम, एक डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी है। इसके AI और प्रोडक्ट में जब हम जाते हैं तो डिजिटल स्ट्रेटजी डिज़ाइन सर्विस, इसमें कंपनी अपने क्लाइंट को AI के थ्रू डिजिटल स्ट्रेटजी जैसे इंगेजिंग पर्सनलाइज कस्टमर सर्विस इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने में मदद करती है। इसके बाद है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस, जिसमें कंपनी AI के थ्रू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है। इसके बाद आता है इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, इसमें कंपनी AI के थ्रू बिजनेस को ऑटोमेट करने में मदद करती है, जिससे किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, ये बिजनेस आप खुद एनालाइज कीजिए कि ये सिर्फ आज के हैं या लिटरली इनकी नीड हर साल
दर साल तेजी से बढ़ने वाली है। चौथी कंपनी है KPIT टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है। इनके क्लाइंट BMW ऑडी जैसी चीज है, जो कि BMW और ऑडी का हाईएस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में मास्टर टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? KPIT दे रहा है, समझ पा रहे हो? सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम में इनका ऑटोमेशन ड्राइविंग काम होता है, वहाँ पर लोकेशन कंट्रोल, टेस्टिंग, व्हीकल कंट्रोल, सेंसर ऑटोमेशन में जो जितनी हाईटेक चीज़ें होती हैं उन पर ये चीज़ें काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर EV इंडस्ट्री में रामबाण दवा की तरह है, तभी KPI इंडस्ट्री को कहा जाता है भैया खरीदो भूल जाओ, गिरे तो टेंशन मत लो। ये बात अलग है कि लोग गिरता है स्टॉक तो परेशान हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं वो चार्ट पे भी आऊँगा, मुझे वो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना आप लोगों के लिए। पांचवी कंपनी है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, OFSS, ये सब्सिडरी है ओरेकल कॉरपोरेशन की, ठीक है ना। IT सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। इनके AI प्रोडक्ट की बात करें तो ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस एनालिटिक एप्लीकेशन में कंपनी AI और मशीन लर्निंग की मदद से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस, कस्टमर इंसाइट, फ्रॉड प्रिवेंशन का काम करती है। दूसरा, इनका ओरेकल बैंकिंग प्लेटफॉर्म एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। AI मशीन लर्निंग की मदद से बैंक अपने कस्टमर को पर्सनलाइज केयर सर्विस प्रोवाइड कराती है, बिजनेस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करती है, इनोवेट न्यू प्रोडक्ट सर्विस को लॉन्च करती है। इसके बाद आता है ओरेकल रेवेन्यू मैनेजमेंट बिलिंग, ये क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है जो AI के थ्रू फाइनेंशियल सर्विस और प्रोडक्ट के प्राइसिंग और बिलिंग को ऑप्टिमाइज करती है। इसके अलावा ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग क्लाउड बेस्ड AI सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। इसे AI बैंक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट करता है, इंश्योर करता है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन फॉलो हो। अब आप सुन रहे होंगे हर बैंक दिनों दिन क्या होता है, डिजिटलाइज होता जा रहा है, सारी चीज़ें ऑटोमेशन में आती जा रही हैं, तो मुझे बताओ आती जा रही हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए कैसा है, कंपनी के लिए कैसा है, कंपनी को कितना ग्रोथ देगा? तो ये पांच कंपनी AI सर्विस और प्रोडक्ट दे रही हैं, करेक्ट है ना। इन सभी की एनालिसिस देख लिया हमने, अब हम वैल्यूएशन पे आते हैं, फिर हम चार्ट देखेंगे और तब हम अपने डिसीजन पे आएंगे। तो टाटा एलेक्सी का करंट PE 61.8, इंडस्ट्री PE 32.6। तो अगर हम PE बेस पे देखते हैं तो अभी महंगा है। बॉस पे हम आते हैं, करंट PE 33.9, इंडस्ट्री PE 24.8, मतलब अगेन महंगा है। परसिस्टेंस पे आते हैं तो करंट PE 37.7, इंडस्ट्री का PE 32.6, मतलब थोड़ा ओवर प्राइस्ड है, ध्यान से। KPIT टेक्नोलॉजी देखें, करंट PE 64.3, इंडस्ट्री का PE 32.6, यानी क्या है, अगेन महंगा है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज पे आते हैं तो करंट PE 17, इंडस्ट्री PE 32.6, इसका मतलब क्या है, अंडर प्राइस्ड है। देखो एक शेयर क्या निकला, अंडर प्राइस निकला, लेकिन मैं चार्ट पे एक बेहतरीन चीज़ दिखाने वाला हूँ जो बिग आई ओपनर होने वाला है। मैं चलता हूँ चार्ट पे, और मैंने कहा था कि एक इंटरेस्टिंग डेटा दिखाऊंगा। AI की बात जनवरी से बहुत तेज चालू हुई है, बराबर है ना, और जनवरी से ही कुछ कहानी हुई है, तो वो इंटरेस्टिंग चीज़। और साथ में जो आप लोग जब इन्वेस्टमेंट करते हो, स्टॉक गिरता है तो डर जाते हो, डर के स्टॉक को काट देते हो, तो ऐसी कई कहानियों को भी चार्ट से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपकी इन्वेस्टिंग का पैटर्न चेंज हो। क्योंकि जब तक इन्वेस्टिंग का तरीका चेंज नहीं होगा, कोई भी इंसान आपको कितना भी अच्छा स्टॉक बता दे, आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि आपका नज़रिया होता है कि किसी ने बोला सारे पैसे आज लगा दिए, कल से स्टॉक चलना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, हमेशा याद रखो कि आपके भाव से 25% 30% भी गिर सकता है, और बिग इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को चेक करोगे तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर बस जब हमें ये पता होता है कि हमने क्या लिया है, क्यों लिया है, किस लिए लिया है, तो हमें कभी डर नहीं लगता है, और इसी चीज़ को बदलने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पर एक मिनट का मैं आपका समय लेना चाहूँगा कि जो भी लोग छोटे इन्वेस्टर हैं, छोटे ट्रेडर हैं, वो हमेशा कहते हैं कि सर हमारे पास सीखने का पैसा नहीं है, तो वो लोग अगर हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो अगर हमारे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करके गूगल फॉर्म भर देंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जो नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजी हमने आपको दी है, जो निफ्टी बैंक निफ्टी और एशियन पेंट में बहुत धमाका काम कर रही है, बिल्कुल उसी तरीके से वो स्ट्रेटजी भी धमाका काम करेगी और आपको कमाने में हेल्प होगी, और ये आपकी डिमांड पर किया जा रहा है। ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए है, तो फटाफट अकाउंट ओपन कर लें। और जो लोग ऐसे हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहाँ पर मैं स्टॉक के लेवल देता रहता हूँ, और अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सीखना है तो यूट्यूब की मेंबरशिप, इस ज्वाइन बटन से आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस मेंबरशिप में आपको बहुत कुछ यूनिक मिलेगा। शुरू करते हैं टाटा एलेक्सी से, और टाटा एलेक्सी में जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ यूनिक हुआ है, जनवरी से ही कहानी हुई है, तो सबसे पहले हम यूनिक क्या हुआ है वो देखते हैं। आप पाओगे टाटा एलेक्सी जनवरी से ही चलना शुरू हुआ है। आप बॉस में हम आते हैं, आप बॉस पाओ तो बॉस में एक तेजी हुई, फिर गिरावट हुई, तो जनवरी से ही बॉस में भी एक अच्छी खासी तेजी हुई है।
फिर हम परसिस्टेंस पे आते हैं तो आप देखोगे तेजी के बाद फिर गिरावट हुआ है, बट जनवरी के बाद ये अच्छा खासा परसिस्टेंस चला है। KPIT टेक्नोलॉजी में आप आओगे तो ये दिसंबर के बाद जो गिरा था लेकिन उसके बाद जो चला है वापस से अच्छा खासा चला है। OFSS पे आओगे तो अगेन आप आओगे दिसंबर में हाई लगा के वापस से गिरा और लगातार चला है। तो जो AI के शेयर हैं उसमें आप ये पा रहे हो कि जनवरी के बाद बहुत अच्छी खासी तेजी हुई है। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो यहाँ पे दो चीज़ों को मैं सेपरेट करना चाहूँगा, पहला तो IT इंडस्ट्री को, दूसरा AI को। तो IT इंडस्ट्री में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि जो यूरोप और अमेरिका में हो रहा है इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच में एक रियल इन्वेस्टर हैं और 3 to 5 years का रिटर्न कमाना चाहते हैं तो SIP मोड में IT स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, आपको पैसा बनेगा। वहीं पर दूसरी चीज AI इंडस्ट्री के जो ये शेयर हैं जो इस तरीके से चल रहे हैं, यहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। बट मेरे को एक चीज सबसे ज्यादा सिखानी क्या थी वो मैं दिखाता हूँ। और टाटा इलेक्सी से प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई इंसान 10,000 के पास बिना जाने समझे किसी चीज़ में इन्वेस्ट करता है और वो चीज़ 10-6,000 आ जाती है, इंसान के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। तो यहाँ पर फिर वो कहते हैं अरे इन्वेस्टमेंट ख़राब है, मैंने क्या ले लिया, किस तरीके से ले लिया, दैट्स द बिग पॉइंट। मैंने कई सारी चीज़ें बोली, क्या बोली, कर्ज का पैसा ना लगाओ, सारा पैसा ना लगाओ, एक साथ पैसे ना लगाओ, एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करो। जब हम इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखते हैं तो हमारे पैसे अलग अलग जगह बढ़ते हैं। हम किस भाव में ले रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। जैसे मैंने अभी कौन सा स्टॉक महंगा है कौन सा सस्ता है ये बताया, वहाँ पर महंगा है तो हम SIP मोड में ले रहे हैं, सारा पैसा एक साथ नहीं लगा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे माल एक्यूमुलेट हो रहा है। वहाँ पे हमारा विज़न 3 to 5 years का है तो 3 to 5 years तक हम माल को एक्यूमुलेट कर पा रहे हैं। तो उस एक्यूमुलेशन में अगर आपका शेयर 20-25% तक गिरता है तो आपका एवरेज बहुत धमाका होता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर SIP मोड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे शेयर 15-20% तक नीचे आके माल दे रहे हैं, यानी आपके पास माल एक्यूमुलेशन बहुत तगड़ा हो रहा है, और फिर वहाँ पर जब रिटर्न मिलता है तो आपके रिटर्न को कोई दुनिया की ताकत बीट नहीं कर सकती है। तो मेरा ये नज़रिया कि चाहे आप टाटा इलेक्सी पर नज़र डालते हो, चाहे बॉस पर नज़र डालते हो, परसिस्टेंस पर नज़र डालते हो, तो मार्केट में ऐसा सिनारियो चलता है। जैसे सिनारियो में देखो ये 5,000 से कहां तक आ गया, 3962 1,000 पॉइंट की गिरावट हुई। लोग क्या समझा रहे, मैं तो फंस गया। मैं KPIT दिखाता हूं, KPIT को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये देखो KPIT है, इसने एक बार हाई लगाया था 800 का, उसके बाद कहाँ तक आया, 450 तक। लोग एकदम परेशान, KPIT के बारे में बुरी बुरी बातें होने लगी, जबकि KPIT पे हमने लगातार वीडियो बनाई, टेंशन नहीं है। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, आप किस भाव में ले रहे हो, किस तरीके से ले रहे हो। जैसे आज भी KPIT क्या है, वैल्यूएशन वाइज क्या है, महंगा है। अब सारा पैसा एक जगह लगा दोगे तो आप फंसोगे ही ना। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, जब हम सोच कर समझ कर जान कर सारे आगे पीछे देख कर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बनता है प्रॉफिट, और जब हम आधे अधूरे नॉलेज पर कुछ भी उंगलीबाजी करते हैं तो होता है नुकसान। तो आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, पूरा सुना होगा, पूरा डिसीजन लिया होगा। इन चीजों को वापस से समझें, जानें और तब इन्वेस्टमेंट के बारे में समझें। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें और लोगों के साथ शेयर करें जिससे उनकी लर्निंग और अर्निंग बढ़ती रहे। जय हिंद, जय भारत।